हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 10 मैथ्स की फुल कोर्स मिलेगी। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 2। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये जितने भी नंबर्स हैं इनके हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं और इसे वेरीफाई करना है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है या नहीं होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। तो इसका तरीका क्या है, पहले ही दोनों नंबर के आप प्राइम फैक्टर निकालिए। तो पहले मैं निकालता 26 का प्राइम फैक्टर, तो देखिए 2 से ये डिविजिबल हो रहा है 13 टाइम में, 13 से डिविजिबल है 1 टाइम में, तो 26 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 13 हो गया। सिमिलरली हम निकालेंगे 91 के, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल नहीं है, 7 से डिविजिबल है, 7 से ये 13 टाइम में डिविजिबल है, 13 से ये 1 टाइम में, तो 91 के प्राइम फैक्टर हैं 7 इंटू 13। अब हमें निकालना है इनके एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ 26 एंड 91। देखिए एचसीएफ निकालने का तरीका कि आप देखिए इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। कॉमन फैक्टर है ये 13 और उसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है, दोनों की पावर 1 है, तो यही हो गया उसका एचसीएफ। ठीक है, वैसे मैंने फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख दिया है एचसीएफ। इसे मैंने दो नंबर लिए हैं ए और बी, इसका एचसीएफ क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, वही मैंने यहाँ पे यूज किया है। नेक्स्ट है एलसीएम। एलसीएम निकालना है 26 19 के। एलसीएम में दोनों नंबर के सारे प्राइम फैक्टर निकाल लेने हैं विद हाईएस्ट पावर, अगर जो कोई कॉमन है तो उसका हाईएस्ट पावर लेना है। यहाँ पे 2 है तो 2 ले लिया, 13 है, 13 दोनों में कॉमन है, हाईएस्ट पावर क्या है, 1 ही है हाईएस्ट पावर, 13, 7। तो देखिए मैंने दोनों नंबर के ले लिए, 213 इसमें था, 213 आ गया, 713 इसमें है, ये आ गया, तो यही हो गया इसका एचसीएफ, 2 × 13 = 26, 26 × 7 = 182। तो हमने एचसीएफ निकाल दिया, एलसीएम निकाल दिया, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ठीक है, वही मैंने किया है। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। पहले हम करते हैं इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 26 एंड 91 मींस क्या, 26 × 91 तो ये होगा आपका 2366 मल्टीप्लाई जब करेंगे। अब हम इसके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं। एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 एंड एलसीएम, एचसीएफ है 13 और एलसीएम है 182, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका 2366 ही आएगा। तो देखिए वेरीफाई हो गया, लेकिन देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल्स टू एच सी एफ इंटू एलसीएम जो कि है 2366। तो ये वेरीफाइड हो गया, तो वेरीफाइड। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में हमें 510 एंड 92 नंबर्स गिवन है, हमें इसके एच सी एफ और एलसीएम निकालने और वेरीफाई भी करना है। फर्स्ट लेते हैं 510, इसके निकालते हैं प्राइम फैक्टर, 2 से डिविजिबल है, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। ठीक है, अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 5 + 5 = 10, 10 + 2 = 12, मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा, 3 × 8 = 24, अब ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 8 + 5 = 13 होता है, ये 5 से डिविजिबल होगा 17 टाइम्स में और 17 से 1 टाइम्स में, तो 510 हो गया 2 × 3 × 5 × 17 निकल गए इसके प्राइम फैक्टर। अब निकालते हैं 92 के, 2 से डिविजिबल है, 46 टाइम होगा, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, अब किसी से डिविजिबल नहीं है, 23 से 1 टाइम है, तो 92 = 2 × 2 × 23। जब भी सेम हो तो उसको पावर में लिख लिया कीजिए ताकि मिस्टेक ना हो। अब हमें निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92। अब देखिए कौन कौन सा फैक्टर कॉमन है, सिर्फ ये कॉमन है 2 और 2 स्क्वायर। मैंने क्या बोला है,
एचसीएफ में जो कॉमन फैक्टर है उसका स्मॉलेस्ट पावर लेना है, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है, वन या टू, वन टू है, तो यहाँ पे की टू द वन हो गया, मतलब कि एचसीएफ क्या हो गया, टू। अब हमें निकालना है एलसीएम, 51092। एलसीएम में मैंने क्या बताया आपको, सारे फैक्टर लेने हैं, अगर कोई कॉमन है तो उसके हाईएस्ट पावर को लेना है, तो टू इसमें भी है, टू इसमें भी है, मैंने क्या लेना है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या आएगा, टू स्क्वायर, फिर थ्री आएगा, फाइव आएगा, सेवनटीन आएगा और 23 आ गया, सारे आ गए, पहले इसके सारे आए फिर इसके आ गए, ठीक है, जो कॉमन आता है उसका हाईएस्ट, बाकी सारे रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 5 = 20 × 17 × 23, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई करने पे आता है 23,460, तो ये इसका एलसीएम हो गया। अब हमारे पास एलसीएम भी है, एचसीएफ भी, अब वेरीफाई करेंगे, पहले हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 5010 and 92, विच मीन्स 510 × 92, इनको मल्टीप्लाई करने पे आता है 46920, ठीक है। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, मतलब सिंपली एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो एचसीएफ क्या है, 23460, सॉरी एचसीएफ है 2 और एलसीएम है 23460, मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 46920, तो देखिए वेरीफाइड है, ये भी 46920, ये भी 4690, तो लिखिए हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, क्योंकि दोनों इक्वल है, आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर इक्वल टू दिस, हेंस वेरीफाइड। थर्ड पार्ट में नंबर है 336 and 54, पहले इसका निकालते हैं प्राइम फैक्टर, 336, टू से जा रहा है, 2 1 2 6 12 2 8 16, टू से फिर जाएगा, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 से भी जाएगा, 2 2 4, अभी 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 7 टाइम्स में जा रहा है, 7 से 1 टाइम में, हमने क्या देखा, 336 हो गया, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, मतलब 2 to the power 4 × 3 × 7, ठीक है। सिमिलरली अब हम निकालेंगे 454, 2 से 27 टाइम्स में जा रहा है, अब ये 2 से डिविजिबल नहीं हुआ, 3 से 9 टाइम में, 3 से 3 टाइम में, 3 से 1 टाइम में, मतलब 54 जो हुआ ये हो गया आपका 2 × 3, कितनी बार आया, 3 टाइम, दैट इज 3 क्यूब। फर्स्ट निकालते हैं इनके एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 336 and 54, मैंने क्या बोला है, कॉमन फैक्टर देखते हैं, कॉमन क्या क्या है, 2 कॉमन है दोनों में और 3 कॉमन है दोनों में, मैंने क्या बोला, स्मॉलेस्ट पावर लेंगे, तो 2 to the power 4 और 2 to the power 1, स्मॉलेस्ट क्या है, 2 to the power 1, तो 2 to the power 1, 3 and 3 to the power cube, इन दोनों में स्मॉलेस्ट क्या है, 3, दैट इज 3, तो 2 × 3 = 6, ये इसका एचसीएफ हो गया। अब निकालते हैं एलसीएम, एलसीएम ऑफ 336 91, मैंने क्या लिखा, दोनों ही नंबर के सारे प्राइम फैक्टर लेने हैं, अगर कोई कॉमन है तो हाईएस्ट लेना है, तो 2 to the power 4 है, यहाँ 2 है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 to the power 4, 3 दोनों में कॉमन है, हाईएस्ट पावर क्या है, क्यूब, तो क्यूब लेंगे, और साथ में ये 7 बच रहे तो 7 आ गए, ठीक है। तो 16 × 20 2 to the power 4 16 होगा, 27 × 7, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है 3024, तो एचसीएफ भी निकल गया, एलसीएम निकल गया। अब वेरीफाई करते हैं, पहले निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 336 and 54, मेरा कहने का मतलब है 336 × 54, इनको मल्टीप्लाई करने पे आता है 18144। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम को, एचसीएफ इंटू एलसीएम, HCF क्या है 6 और LCM क्या है 3024, इसको मल्टीप्लाई करने पे आपको सेम नंबर मिलेगा 18144। तो हमने क्या देखा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF और LCM, तो वेरीफाई हो गया। देखिए प्रोडक्ट ऑफ
336 एंड 54 इज इक्वल्स टू HCF इनटू LCM विच इज इक्वल टू 18144, यही है वेरीफाइड।